सो दोस्तों आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की मोस्ट पॉपुलर बाइक। इसका नाम है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 जो कि स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें आपको चार कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ये हमारे पास है बुलेट सिल्वर कलर। आज हम इस बाइक के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ आपको 2022 में यही मॉडल मिलने वाला है। सो ज़्यादा टाइम ना लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी आपको एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाली है 1,45,000 के आसपास और आपको ये बाइक ऑन रोड पड़ जाएगी 1,79,000 के आसपास। ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये मैं आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, सो आप कॉल भी कर सकते हैं एंड विजिट भी कर सकते हो। और अभी हम जान लेते हैं डिटेल से इस बाइक के बारे में। सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो आपको हेडलाइट मिलने वाली है हैलोजन, इंडिकेटर की बात करें तो आपको बल्ब मिल जाते हैं और यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगने वाला जहाँ पर आपको बुलेट स्टैंडर्ड लिखा हुआ मिल रहा है और यहाँ पर आपको पायलट लैम्प मिल जाते हैं, ये आपको बल्ब मिलने वाले हैं। सो फ्रंट का लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा और मिरर की बात करें तो आपको कुछ ऐसे मिरर मिल जाएंगे क्लासिक लुक में जो कि इधर से कुछ ऐसे दिखने वाले हैं और सामने आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने को मिलेगा राउंड में जैसा आपको हमेशा से देखने को मिलता है रॉयल इनफील्ड बाइक में। और फ्रंट लुक की बात करें तो सो ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, ये रहा मडगार्ड और यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगने वाला जहाँ पर आपको बुलेट स्टैंडर्ड लिखा हुआ मिल रहा है और यहाँ पर आपको पायलट लैम्प मिल जाते हैं, ये आपको बल्ब मिलने वाले हैं। सो फ्रंट का लुक आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा और मिरर की बात करें तो आपको कुछ ऐसे मिरर मिल जाएंगे क्लासिक लुक में जो कि इधर से कुछ ऐसे दिखने वाले हैं और सामने आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्रोम वर्क देखने को मिलेगा राउंड में जैसा आपको हमेशा से देखने को मिलता है रॉयल इनफील्ड बाइक में। और फ्रंट लुक की बात करें तो सो ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, ये रहा मडगार्ड जो कि आपको मेटल वर्क के साथ में मिलता है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इस बाइक में मिल जाती है और ज़्यादातर आपको रॉयल इनफील्ड की बाइकों में आपको मेटल वर्क ही देखने को मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है और सस्पेंशन के ऊपर ही आपको रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिल जाएगा। और रियर की सस्पेंशन की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रियर का सस्पेंशन ये रहा। रियर में आपको मिल जाएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपकी हाइट हो जैसे आपको राइड करना हो। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं, इसके टायर की बात कर लेते हैं। आपको इसमें ट्यूब टायर मिल जाएगा। टायर साइज की बात करें तो आपको मिलने वाला है इसमें 3.25 का और रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ, रियर में भी आपको सेम ही टायर साइज मिल जाएगा 3.25 का। और व्हील की बात करें तो आपको स्पोक व्हील मिलने वाली है जिसकी साइज आपको फ्रंट एंड रियर में सेम ही मिलने वाली है 19 इंच की। ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा और रियर में आपको मिलने वाला है ड्रम ब्रेक और इसमें आपको साथ में मिलने वाला सिंगल चैनल एबीएस जो कि सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। और इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है और ये रहा इसका कैटलेटिक कन्वर्टर जिसे हम BSCC पहचान मानते हैं, वो रहा आपका हॉर्न। यहाँ पे भी आपको क्रोम वर्क देखने को मिलता है जो कि अच्छा खासा लुक प्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। सो इसमें आपको किक मिल जाती है, सेल्फ का ऑप्शन नहीं मिलता है और ये इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला आप देख सकते हो। ये आपका हो जाएगा क्रोम वर्क, ये आपका ब्लैक कलर में है, ये आपका हो गया राइडर फुटरेस्ट, ब्रेक पैड अच्छी खासी ग्रिप के साथ में आपको मिलने वाला है। और टैंक की बात करें तो ये रहा है इसका टैंक, यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो ऐसा कुछ टैंक दिखने वाला है, टैंक के बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे, साथ में माइलेज के बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। और सबसे पहले हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं जो कि इसमें आपको एक दमदार इंजन मिल जाता है। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 346 cc का इंजन जिसकी आपको पावर मिल जाती है 19.36 PS एट 5,250 RPM पे और आपको टॉर्क मिल जाएगा 28 Nm एट 4,000 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, फोर वॉल्व, एयर कूल EFI और साथ में आपको मिल जाता है 5-speed गेयरबॉक्स। एक बात मैंने आपको गलत बोल दी, इसमें आपको 2 valve मिलता है ना कि 4 valve मिलेगा। और यहाँ पे आपको बुलेट 350 की बैनी मिल जाएगी और ये रहा इसका साइलेंसर, आपको फुल क्रोम वर्क देखने को मिलने वाला है। और ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट और इधर से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है। सीट काउल की बात करें तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा और अभी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं। सो इस बाइक का राइट साइड का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा जो कि देखने में काफ़ी शानदार दिख रही है, मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। सो ये रहा इधर का व्यू और इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और अभी हम चलते हैं इसके रियर वाले सेक्शन पे और टेस्ट सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। सो रियर की बात करें तो आपको कुछ ऐसा ग्रैबर मिल जाएगा रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग और ये रहा आपका टेल लैम्प जो कि आपको बल्ब मिलता है, इंडिकेटर, नंबर प्लेट यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा।
सो रियर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, और भी चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में। सो राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटरेस, इसमें आपको अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको बुलेट 350 की बैंडिंग, जैसे हमने उधर देखा, यहाँ पे आपका टूल बॉक्स रहने वाला है। सो ये आपका प्लेन राइडर फुटरेस, और इसमें आपको डुअल स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों मिल जाता है। राइडर फुटरेस, ये रहा आपका गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाला है। सो ये रहा इसका इंजन, जो कि कुछ ऐसे दिखेगा, सेम क्रोम वर्क एंड ब्लैक कलर के साथ में हॉर्न। और ये रहा इसका टैंक, और अभी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं। सो ये रहा इसका लेफ्ट साइड का व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसे लगी। और अभी हम इसके सीट कम्फर्ट एंड टैंक के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये रही आपको सीट एंड कुशनिंग की बात करें तो आपको अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाती है। इसमें आपको राइडर कम्फर्ट एंड प्रीमियर राइडर कम्फर्ट दोनों आपको अच्छा मिल जाता है। इस बाइक को आप डेली आराम से चला सकते हो, मतलब डेली लाइफ में आराम से यूज ले सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है आपके लिए। और इसका डिजाइन आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेन राइडर के लिए ग्रैबर मिलने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके टैंक की, जो कि इस बाइक की हाईलाइट है। खासकर इस बाइक में जो ये रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ रहता है, ये बहुत अच्छा दिखता है, और इसी के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। और इसमें फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। इसकी माइलेज आपको मेरे हिसाब से मिलने वाली है 35-40 के आसपास। सबसे अच्छी माइलेज इसी बाइक में आपको मिलती है बुलेट में, क्लासिक से कंपेयर किया जाए तो भी। सो इसमें आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा, और ये आपको क्रोम वर्क के साथ में देखने को मिलेगा। और अभी हम इसके मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली अभी कवर की हुई है, नहीं है एक्चुअली, ये मैं हटा देता हूँ और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसमें आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपका स्पीड शो करेगा, ये आपका ऑडोमीटर कितना किलोमीटर बाइक चली है, ये आपका न्यूट्रल का बताएगा, ये इंडिकेटर बताएगा, अपर डिपर, यहाँ पे आपका फ्यूल का बताएगा, इंजन माल फंक्शनल है, साथ में ABS का बताएगा। सो आपको ऐसा कुछ कूल सा मीटर कंसोल मिल जाएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, जितनी ज़रूरत है उतनी आपको मिल जाती है। और रेसिंग हैंडल बार की बात करें तो थ्रोटल हो गया, ब्रेक लीवर, या आपका किल स्विच हो गया। और इधर की बात करें, सो इधर की स्विचेस की बात करें, आपका अपर डिपर इंडिकेटर हॉर्न काफ़ी लाउड हॉर्न है। और यहाँ पे आपका पासिंग का मिल जाएगा, ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। इसमें सेल्फ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सेल्फ नहीं मिलता, क्योंकि इसमें सिर्फ किक स्टार्ट का ही ऑप्शन आता है, सेल्फ के लिए आपको दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो अभी हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी 2170 mm, और इसकी विड्थ है 810 mm, इसकी हाइट आपको मिलने वाली 1120 mm, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है 13.5 लीटर की। और आपको सैडल हाइट मिलने वाले इस बाइक में 800 mm, ग्राउंड क्लियरेंस इसका आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 135 mm, लेकिन थोड़ा सा और होता तो और अच्छी बात होती। और इसका जो है व्हील बेस आपको मिलने वाला है 1395 mm, और इस बाइक का वेट है 191 kg। और कलर ऑप्शन की बात करें तो ये बाइक 4 कलर ऑप्शन पे आती है। पहला कलर आपको ये मिल जाएगा जो आप देख रहे हो, बुलेट सिल्वर कलर। दूसरा आपको ओनिक्स ब्लैक मिलेगा। तीसरा आपको मिलने वाला है जेट ब्लैक। चौथा आपको मिल जाएगा ब्लैक कलर। सो आपको इसमें 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। चारों ही अमेजिंग है, सबको पसंद आने वाले कलर हैं ये चारों। तो दोस्तों, अगर आप रॉयल एनफील्ड के फैन हो और आपको एक बजट फ्रेंडली रॉयल एनफील्ड की बाइक चाहिए, सो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है, आप इसकी तरफ आसानी से जा सकते हो, जिसकी आपको ऑन रोड कॉस्ट पड़ने वाली 1,79,000। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीमियर राइडर कम्फर्ट अच्छा मिल जाएगा, साथ में आप इसे डेली लाइफ में आराम से यूज भी कर सकते हो, और साथ में आपको दमदार इंजन तो मिलता है। आप इस बाइक को कहीं भी ले जा सकते हो, रफ एंड टफ यूज कर सकते हो, और आपको अच्छी खासी माइलेज भी मिल जाएगी। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये कलर आप लोगों को कैसा लगा, और कौन कौन ये बाइक लेना चाहेगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।